ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। वोट फॉर डेमोक्रेसी, इसने फिर से एक रिपोर्ट 266 पन्नों की बनाई है, जिस पर इसने ये कहा है कि 79 लोकसभा सीटों के मतगणना में गड़बड़ी हुई है, वहाँ पर वोट बढ़ाए गए हैं और 79 सीटों में ये जो चुनाव परिणाम घोषित हुए हैं उनमें भारी अंतर है और इसकी जांच कराई जानी चाहिए। अब वोट फॉर डेमोक्रेसी संस्था ने जो 66 पन्ने की रिपोर्ट बनाई है उसको उन्होंने चुनाव आयोग को भी सौंपा है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भी वो रिपोर्ट सौंपी है, और उन 79 सीटों को दस्तावेज के आधार पर जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उसके आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की है। अब डेमोक्रेसी फॉर संस्था में कौन है जो इस तरीके के काम करता है, तो ये संस्था पिछले कई वर्षों से चुनाव में पारदर्शिता हो और चुनाव निष्पक्ष और अच्छे तरीके से हो, जिस पर लोगों का विश्वास हो, मतदाताओं का विश्वास हो, इसके लिए संस्था लंबे समय से काम करती हुई आ रही है। कई मामलों में यह सुप्रीम कोर्ट भी गई है और वहाँ पर चुनाव आयोग की गड़बड़ियों को लेकर इसने समय समय पर अपनी याचिका लगा कर और उसमें एक सुधार करने की कोशिश भी की है। अभी इस संस्था द्वारा यह कहा गया है अपनी रिपोर्ट में कि 542 लोकसभा सीटों के जो चुनाव हुए हैं उसमें से 539 लोकसभा सीटों के जो मतदान था, जो मतगणना हुई है, उन दोनों के आंकड़ों में बहुत भारी अंतर है। उसने यह भी कहा है कि जो 7 चरणों में चुनाव हुए हैं तो हर चरण के चुनाव में जो प्रारंभिक जानकारी दी गई है और जो बाद में जानकारी दी गई है उसमें लगभग 7.5% से लेकर और 12.5% तक का अंतर पाया गया है, और ये अंतर इसके पहले कभी होता नहीं था। शाम को 7 बजे तक चुनाव आयोग फॉर्म 27 के अनुसार जो जानकारी होती थी वो आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर देती थी। ये क्रम 2019 तक चला है, लेकिन जो 2024 के लोकसभा चुनाव हुए उसमें यह जानकारी चुनाव आयोग ने एक तो अपलोड नहीं की, और फिर जब ये दबाव बना तो पहले चरण की जो जानकारी थी वो 12-13 दिन के बाद चुनाव आयोग ने अपलोड की, और बाद में परसेंटेज के हिसाब से और ये जानकारी उपलब्ध कराई। फिर चौथे पांचवें चरण से वो जानकारी का तौर तरीका भी बदल गया, मतलब पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग द्वारा जो जानकारी पोर्टल पर डाली गई है उसमें और जो मतदान होने के बाद जो मतगणना हुई है उसमें काफ़ी अंतर इसने तथ्यों के साथ सभी की जानकारी इकट्ठी की है, और उसके बाद बताया है कि 79 सीटों पर जो चुनाव परिणाम घोषित हुए हैं वह चुनाव परिणाम सही तरीके से घोषित नहीं हुए हैं और इस संस्था द्वारा जांच कराने की मांग की गई है। चुनाव आयोग इस मामले में चुप्पी साध के बैठा हुआ है। चुनाव आयोग, इनका कहना है कि चुनाव आयोग को हमने लिखा, रिपोर्ट भी सौंपी और जो जानकारियां हमने सूचना अधिकार कानून के तहत भी मांगी थी वो चुनाव आयोग ने नहीं दी, और जिसके कारण ये शंका और बढ़ती चली जा रही है। अभी उन्होंने यह भी कहा कि 21 सीटों पर 42 लाख वोट बढ़े जो वोट डाले गए थे, और जो गिनती हुई है उसमें लगभग औसतन हर सीट में 2 लाख वोटों का फर्क आ रहा है, जबकि वहाँ जिस उम्मीदवार की जीत हुई है वह 2 लाख वोटों से कम की हुई है, या जो अंतर था वोटों का उसमें जीत जो हुई है वो बहुत कम थी, और ऐसा लगता है कि इस चुनाव में कहीं ना कहीं किसी लेवल पे कोई गड़बड़ी हुई है, तो इसकी जांच करने की मांग उनके द्वारा की जा रही है। चुनाव समाप्त हुए 4 जून को मतगणना का परिणाम आ गया था। अब केंद्र में सरकार भी बन गई है और सभी सांसदों ने शपथ भी ले ली है, तो अब ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग में जो गड़बड़ियां हुई हैं या जो शिकायतें हुई थी, यदि उनके बारे में चुनाव आयोग ने क्या कार्रवाई की है
या कार्रवाई नहीं की है उसको लेकर अब ये सारी चीज़ें यदि सामने आती हैं तो चुनाव की निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर लोगों को एक भरोसा हो सकता है कि जो चुनाव हुए हैं वह सही हुए हैं। और ये चुनाव तो जैसे तैसे हो गया, परिणाम भी घोषित हो गए, लेकिन अगले कोई चुनाव होते हैं तो वो बड़े पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हों और उसकी व्यवस्था पहले सुचारू रूप से तय हो जाए तो ये अच्छा होगा। लेकिन इसमें चुनाव आयोग की जो चुप्पी है और चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं देता है, ये शंका को बढ़ाने वाला काम है। अगले कुछ महीने में 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसी स्थिति में वोट फॉर डेमोक्रेसी संस्था का कहना है कि जो लोकसभा चुनाव अभी 2024 का हुआ है और उसमें जो स्थितियां सामने आई हैं, जो विसंगतियां हैं या जिन बातों को लेकर शंका है, उसका निराकरण समय रहते हुए होना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग उनकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा है। ऐसी स्थिति में उनका कहना है कि हम एक बार फिर अपनी 266 पन्ने की जो रिपोर्ट बनी है, क्योंकि हमने चुनाव आयोग को दे दी है और यदि इस पर वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं या कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं, ऐसी स्थिति में अब हमारे पास इस बात के अलावा और कोई विकल्प नहीं रहा कि हम एक बार फिर कोर्ट की शरण लें। लोकसभा के चुनाव की अधिसूचना जारी होने के टाइम पर ही सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया था, उस फैसले का क्रियान्वयन भी चुनाव आयोग ने नहीं किया है। इस बात का भी आरोप संस्था द्वारा लगाया जा रहा है। तो अब ये सारे मामले हैं, हो सकता है कि वो यदि जल्दी कोई इस मामले में चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से सो मोटू कार्रवाई शुरू नहीं की तो फिर संस्था सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कर रही है। लेकिन जिस तरीके से सनसनीखेज आरोप इस संस्था द्वारा लगाया गया है कि 79 सीटों पर सीधे सीधे गड़बड़ी हुई है और यदि वहाँ निष्पक्ष तरीके से और पारदर्शी ढंग से मतगणना होती तो 79 सीटों पर ये परिणाम बदले हुए होते। ये लोकतंत्र के ऊपर और लोकसभा चुनाव के ऊपर जो विश्वास लोगों का है, इस रिपोर्ट के आने के बाद उसमें कहीं ना कहीं वह विश्वास खंडित होते हुए दिख रहा है। तो अब देखते हैं कि इस मामले में क्या होता है। ये मामला सोशल मीडिया में भी पिछले कई दिनों से तूल पकड़ा हुआ है कि भाई जब ये वोट फॉर डेमोक्रेसी जो संस्था है वो चुनाव के लिए पिछले कई वर्षों से काम कर रही है और इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, पुलिस सेवा के अधिकारी, अर्थशास्त्री, वकील, पत्रकार सभी लोग शामिल हैं और सब अपने अपने तरीके से डाटा एकत्रित करके और इस पर लगातार काम करते हैं। तो ऐसी एक संस्था जो एनजीओ के रूप में चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए काम कर रही है और वो उसमें कोई ऐसे लोग नहीं हैं जिनके ऊपर हम विश्वास नहीं कर पाए, तो वो भी भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय उससे रिटायर हुए लोग हैं और जो जिम्मेदारी से लगातार काम करते हैं, उसमें कई लोग तो चुनाव आयोग में भी लगातार काम करते रहे हैं। तो ऐसे लोगों द्वारा जब रिपोर्ट तैयार की गई है तो इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इस मामले में राजनीतिक दलों को, खास तौर से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं, वो चुनाव यदि निष्पक्ष तरीके से कराना चाहते हैं तो उनको भी इस मामले में सामने आना चाहिए कि वह इस लड़ाई में यदि साथ होंगे और उनके पास जो जानकारियां होंगी वो भी अपने तरीके से, उन्हें जो शिकायतें चुनाव आयोग को की थी और जो आदर्श आचार संहिता का पालन राजनीतिक दलों को करना था जो नहीं किया गया और जिसकी एक दूसरे की शिकायतें की गई थी, इन सब बातों को लेकर राजनीतिक दलों को भी अपनी भूमिका बढ़ानी चाहिए कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो, इसमें सभी की जिम्मेदारी तय हो और जो नियम कानून बने हुए हैं उसके अनुसार चुनाव संपन्न हो, इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। अभी 4 राज्यों के फिर विधानसभा चुनाव होने हैं, इसमें जवाबदेही तय होनी चाहिए और जो गड़बड़ियां लोकसभा चुनाव के दौरान जिन पर भारी हो हल्ला होता रहा है उनका कोई ना कोई निराकरण विधानसभा चुनाव के पहले निकलना चाहिए
ऐसी आशा की जाती है और जनता को यदि विश्वास रहेगा तभी चुनाव प्रक्रिया और लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा, संविधान सुरक्षित रहेगा। और यदि उस प्रक्रिया में विश्वास ही नहीं होगा तो फिर ये बड़ा मुश्किल होगा कि लोग चुनाव पर विश्वास करें और सरकार के ऊपर विश्वास करें। तो ये थोड़ा सा सभी को सोचना होगा। नमस्कार।